मैं पूर्णिमा मलतारे नर्मदेश्वरी संस्था नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल पर अपनी कविता इंसानियत सुनाने जा रही हूँ। आज मेरी बिटिया का संदेश आया, उसने मुझे कुछ वाकया सुनाया। बेटी की सखी ने एक घायल गिलहरी को पाया। दोनों ने मिलकर गिलहरी को प्रेम का मरहम लगाया, स्वस्थ होने पर उसे गंतव्य पर पहुंचाया। मेरे मन में तभी यह विचार आया, ये तो थी इंसानियत। तो वो कौन थे, दानव थे या मानव थे, जिन्होंने एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक खिलाया? ये वही दानव होंगे जिन्होंने धरा की गोद में पल रहे बेजुबानों को कभी अग्नि में समर्पित किया, कभी आघात पहुंचाया। हथिनी की चीख कोख में पल रहे शिशु का रुदन, उनकी मौत का मंजर अभी थमा भी नहीं था कि अब दानव गाय पर बनाया और गाय को भी विस्फोटक खिलाया। क्या हथिनी माँ नहीं थी? उसकी चित्कार पर दानव को रहम नहीं आया? क्या प्रकृति माँ नहीं है जो अपना सर्वस्व लुटाती तुम पर? स्वार्थ लालच के वशीभूत होकर तूने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। अब भी समय है, समय रहते सचेत हो जाओ, प्रकृति का कुछ कर्ज चुकाओ, दानों से मानव बन जाओ, प्रेम दया अनुशासन सीखो और धरा को प्रलय से बचाओ। थोड़ी इंसानियत लाओ, थोड़े इंसान बन जाओ, अब भी समय है सचेत हो जाओ, थोड़े इंसान बन जाओ। धन्यवाद।